जब ओशो को मैंने पहली बार देखा, सुना, समझा, जाना, पहचाना और जिया, तो एक बात एकदम साफ हो गई कि ये सागर है, ही इज ओशन। और फिर ये भी महसूस किया कि सिर्फ ओशो ओशन नहीं है, हर व्यक्ति, हर बुद्ध पुरुष या बुद्ध स्त्री एक ओशन है। Every enlightened being is an ocean. और मैं ओशन पे भी था, और मैंने ये इंटरेस्टिंगली देखा ओशन पे कि जब आप बाहर बैठ के ओशन को देखते हो, ओशन की एक बाउंड्री है, किनारा, तुम दूर बैठ के, बाहर बैठ के उस ओशन को देख सकते हो। कैसे? YouTube वीडियोस से, पुस्तकों से, तुम उस ओशन को देख सकते हो, बस सुन के और उतना ही, सुन के उतना ही, ये बाहर बैठ के ओशन को देखना। बट ओशन क्या है ये समझ तो नहीं आया, तुमने तो बाहर से ही देखा फोटो में, मगर जब मैं ओशन में जाता था, और हर दिन जब तक मैं ओशन के साथ था, हर दिन मैं ओशन के भीतर गया, मुझे तैरना नहीं आता, तो मैंने एक ऐसी जगह चुनी हुई थी जहां लाइफ गार्ड बैठा रहता था साइड पे उसकी ड्यूटी रहती थी, और उससे मेरी अच्छी मित्रता हो गई। उसका मैंने एक पोस्ट भी डाला था फेसबुक पे, देखा था तुमने, वो मेरा दोस्त बन गया, हम सबका दोस्त बन गया। अच्छा, तो हमने वही जगह चुनी सागर में जाने की जहां वो बैठा होगा, कि डूबे तो बचा ही लेगा। सो हर दिन आई यूज टू एंटर इनटू द ओशन एंड बी इन द ओशन फॉर एटलीस्ट एन आवर, आई डोंट नो द स्विमिंग, और मुझे किनारे पे बैठना अच्छा नहीं लगता, तो मैं भीतर जाता था काफी, जब तक पानी यहां यहां तक नहीं आ गया, और फिर वो सीटी बजाता था दूर से, क्योंकि वो कहता था बहुत लहर आगे लेके जा सकती है, तो मैं थोड़ा बाहर आता था कि चलो छाती तक पानी तो रहे कम से, उससे कम में गुजारा नहीं चलेगा। तो ओशन को दूर से नहीं जाना जा सकता, सपाट सा दिखता है, ऐसे फील नहीं किया जा सकता ओशन को दूर से। दूर से देखोगे तो आप बहुत सारे परिभाषाएं बना सकते हो ओशन के बारे में, धारणाएं बना सकते हो ओशन के बारे में, बट जान नहीं सकते ओशन को। जानने के लिए ओशन में उतरना पड़ेगा, यू विल हैव टू एंटर इनटू द डेप्थ्स ऑफ द ओशन। सो एवरी मास्टर, एवरी गुरु, एवरी टीचर, एवरी बींग इज लाइक एन ओशन। तो आज जो मैं देखता हूं अमूमन समाज में, मॉडर्न लाइफ में, हमारा अपने अपने जो भी हमारे गुरु हैं, हमारा अपने गुरुओं से संपर्क या संबंध YouTube रह गया है। अनफॉर्चुनेट है। Why it is unfortunate? Not just unfortunate, it is dangerous also. Why? क्योंकि ये भ्रम पैदा करता है कि मैं ओशन को जान रहा हूं, भ्रम पैदा करता है। लेट मी रिपीट, ये दूर से देखना एक भ्रम पैदा करता है कि एक, मैं ओशन को जान रहा हूं, दूसरा, मैं ओशन को समझ रहा हूं, यानी ओशन की बातें समझ रहा हूं, नहीं समझ पाओगे दूर से, ना तो ओशन की बातें, ओशन की आवाज को समझ पाओगे, और ना ही ओशन को पूरा एक्सपीरियंस कर पाओगे, अपने भीतर जगा पाओगे अपना ओशन, ना ही खुद ओशियानिक बन पाओगे। हाँ, इन सब चीजों का भ्रम हो जाएगा, इल्यूजन हो जाएगा। सो एक ही तरीका है अपने भीतर के ओशन को जानने का, कि एक ओशन में प्रवेश करने का। You have to enter into an ocean to be able to become oceanic. Mm-hmm.